संभल में ईदगाह के इमाम की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। लोगों को इसकी जानकारी मिली तो शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर लोगों की भीड़ जुट गई। 3 दिन पहले बुखार आने के बाद तबीयत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इमाम ईदगाह मौलाना सुलेमान अशरफ हमीदी कोतवाली संभल क्षेत्र के मोहल्ला कोटगरबी में रहते थे और 2008 से संभल ईदगाह इमाम थे। 3 दिन पहले अचानक बुखार आने से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें संभल के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। 2 दिन भर्ती रहने के बाद भी जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले गए। दिल्ली में उनका निधन हो गया, जिससे उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर बड़ी संख्या में संभल शहर के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और आज करीब 3 बजे उनको नम आंखों के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। Para nada de la...